क्या करना पड़ता है आपके लिए अम्मी? हाय हाय, आइए ना बैठिए. हाँ बैठिए. थैंक यू, आप भी बैठिए प्लीज. आपको इस लिबास में देखकर किसी का कहा हुआ एक खूबसूरत सा फलसफा याद आ गया. दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब तरकता जरूर है. हजारों रिश्ते आए यहाँ लेकिन यहाँ कोई नहीं लगा. अब देखिए इंतजार का इनाम आज उसके साथ बैठे हैं जिसके आने से सीधा यहाँ लगा. काफी शायराना अंदाज है आपका. बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों से मिला है, लेकिन आप में जो बात जो कशिश है ना वो किसी में भी नहीं. एक खुशखबरी देनी है आप सबको. जय हिंद मैडम. जय हिंद. जय हिंद. एक मिनट, मगर शादी से पहले खुशखबरी थोड़ा गलत नहीं है ना? एक मिनट, अब हम बोल लें. खुशखबरी ये है कि हमें वो शख्स मिल गया है जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं. एक लड़का हमें पसंद आ गया है. दीवान जी. जी सर. कहानी में ट्विस्ट, मतलब अब ये कौन आ गया जो इन्हें पसंद आ गया? हमने जो आखिरी लड़का भेजा था वो शायर की मोमबत्ती, वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ना, तो अब ये लड़का कहाँ से आ गया जिन्होंने इनके दिल में शादी के लिए घंटे बजा दी? आपने भेजा था क्या? मुझे भेजना था क्या सर? आपने भी नहीं भेजा, हमने भी नहीं भेजा, तो भेजा किसने? पिज्जा, पिज्जा सबके लिए. पिज्जा आइए लीजिए, खाइए. पिज्जा, पिज्जा लाए हो? कितनी देर से ला रहे हो पिज्जा? कब से मंगाया है? अब आधे घंटे से ऊपर हो गया, एक रुपया भी नहीं मिलेगा. कपड़े तो देखो किसी के, भाई वाह. बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो लिखा ही है डिलीवरी वाला. हाँ. सच कहे तो तुम्हारे कपड़ों से तो कोई नहीं कह सकता कि तुम डिलीवरी वाले हो. पुष्पा जी पहले पूछ तो लीजिए किसने मंगाया है. हाँ भैया, वो डिलीवरी लिस्ट पे किसका नाम है? ये डिलीवरी के लिए नहीं, आदिल शेख है. इन्हीं का जिक्र हमने आप सबसे किया था. ये आपके वो ओ? हाँ ये है. ये है. वैसे हमने कहा था ना बिल्ले कि चेहरे से बिल्कुल डिलीवरी वाला नहीं लगता. आदिल, ये है हमारे थाने की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी. ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा. ये है बिल्लू, SHO अमर विद्रोही देवान जी, श्रीवास्तव जी और हमारे थाने की SI करिश्मा सिंह. अरे इनको कौन नहीं जानता है? दरोगा जी देखे तो बहुत है लेकिन इंसा नहीं देखा. राइट 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 राइट. शक्ल तो ठीक है लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है कूटने का मन करता है. तुम्हारा भी तो मुंह खोलने के बाद कूटने का मन करता है. कूटा कभी तुमको? चुप करो जी. आपने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किया होगा, तभी मैडम सर ने आपको अपना जीवन साथी के लिए चुना है. आपको पता भी नहीं है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं. जी शुक्रिया. मैं खुशनसीब हूँ ये तो बस इस बात से ही पता चल गया कि मैं इनसे मिला, लेकिन किस्मत सोने की कलम से लिखवा के लाया हूँ ये तो इनके हाँ के बाद ही पता लगा. हाँ तो आंटी जी, मैं क्या कह रहा था, हसीना जी ने शादी के लिए लड़का फाइनल कर ही लिया ना, तो देर किस बात की? मेरे हिसाब से जल्दी शादी की डेट वेट निकालिए और शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए. मतलब शुभकाम में देरी नहीं होनी चाहिए ना आंटी जी? बिल्कुल सही सर. फ्लाइट और अच्छे लड़के में यही तो कॉमन होता है कि अगर टाइम पे ना पकड़ो तो दोनों हाथ से निकल जाते हैं. और वैसे भी देखे ना, हसीना मैडम उस लड़के को कितना पसंद करती कि दोनों पिक्चर देखने गए साथ में. मेरी राय में एक मिनट का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, निकाह की तारीख निकाल ही लेनी चाहिए. क्यों सर? जी बिल्कुल. वो लड़का क्या नाम है उसका? आदिल.
वो भी तो यही कह रहा था कि अगर बात करके अगले हफ्ते की डेट निकल जाती तो बहुत ही अच्छी बात होती। एक मिनट, एक हफ्ता? अरे अम्मी, करिश्मा बेटा रुको, हम चाय बनाते हैं। नहीं, चाय वाय नहीं, अभी तो हमें शौक लग गया। मतलब एक हफ्ते में क्या होता है? अरे कितना कुछ करना है, कितना बवाल मचाना है, नाचना है, गाना है, रस्में रवायतें, कितना कुछ है। मतलब शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, मतलब पूरे रस्में रवायतों के साथ होना चाहिए ना। अरे आंटी जी, क्या रखा है रस्मों में? मेरे हिसाब से तो अगला हफ्ता ही सही होगा, और वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना आंटी जी। ये भी ठीक है, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। शादी तो इसी हफ्ते होगी। कब से जानते हैं आप हसीना मलिक को? अभी कुछ एक हफ्ते से? हम सालों से जानते हैं, परछाई बन के रहे हैं उनके पीछे पीछे हमेशा, काला सफेद सब जानते हैं उनके बारे में। नहीं, आपका बिल्कुल मिस्टेक नहीं है भैया। वो क्या है ना, उनका पहला इम्प्रेशन ही ऐसा पड़ता है कि वो बहुत ही मतलब ऐसे संवेदनशील, प्यारी सी, सुलझी हुई, बहुत ही मासूम टाइप की महिला होगी, है ना? हमको भी यही पड़ा था, लेकिन ये सच नहीं है भैया। सच आपको हम बताते हैं। हसीना मलिक का सच ये है कि वो एकदम सिर परी, एकदम औंधी खोपड़ी की एकदम हिंसा परी महिला है वो। ना मतलब हिंसा जो है ना उनके अंदर वो ऐसा फूट फूट के भरा हुआ है, और वो ऐसा हाथ पीछे बांध के ऐसे घूमेंगी जैसे कबूतरों को दाना देकर आ रही हूँ। पर सच ये है कि हिंसा का तांडव कर आती है वो। ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है। हमको पता था आपको यकीन नहीं होगा। कैसे यकीन होगा, उनको सूरत ही ऐसा मिला है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये औरत ऐसी निकलेगी। ना देखो भैया, ऐसा है कि शादी ब्याह का मामला है ना, हमको लगता है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो वो रिश्ता जो है सच की बुनियाद से शुरू होना चाहिए, है कि नहीं है? हमारा काम था आपको सच बताना, हमने आपको बता दिया। बाकी हम अगर आपकी जगह होते ना तो कसम से बता रहे हैं, मियां कसम, इस रिश्ते को अभी मना करते, फोन करते, बोलते भैया हमें रिश्ता करना ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है ये बवाल, समझ रहे हैं आप? देखिए करिश्मा जी, अब आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, ये पुलिस का प्रोफेशन, और ऊपर से वो एक औरत, तो इसमें अगर वो थोड़ी बहुत वॉयलेंट, थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब बताइए, इस दिल का क्या करें? ये तो हसीना मलिक पे आ गया है, अब शादी तो होके रहेगी। हेलो, एक जरूरी काम आ गया। हेलो, कैसा है ये आदिल? दिला गया बोले, मान ही नहीं रहा है। पूरा प्लान चौपट कर दिया स्टोपे ने। तुमने रिकॉर्ड किया? हाँ, पूरा रिकॉर्ड किया। का रिकॉर्ड ऑन ही नहीं किया तुमने? ये कोई और मौका होता ना बिल्ले, तुम्हारा वो रॉकेट बनाता ना, कि तुम याद रखते। लेकिन खैर, अभी तो हमारा ही प्लान चौपट हो गया ना, इसने तो शादी के लिए मना ही नहीं किया। हमको लगा इतना भड़काने के बाद तो मना कर ही देगा। प्लान की ऐसी की तैसी कर दी तो अब रिकॉर्ड नहीं भी हुआ तो कब फर्क पड़ा? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या बात है करिश्मा सिंह? यहाँ भी? जी यहाँ भी ना, मतलब जो बिगड़ गया है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर जो बचा है उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम समझे नहीं? समझा के भी अब क्या फ़ायदा मैडम सर ना, मतलब आपको हमारी किसी बात पे भरोसा तो रह ही नहीं गया। आपके नज़रों में तो हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, तो फिर आगे भी क्या आप हमारी बातों पर भरोसा करेंगे? दीवान जी, पिछले 20 मिनट से क्या मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? क्या कर रहे हैं सर? अरे देख नहीं रहे, फाइल पढ़ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर आपके दीदी और पापा के आने का टाइम होते जा रहा है और यहाँ आपके हाथ से केस निकलता जा रहा है। जल्दी कुछ कीजिए सर, वरना मेरा क्या होगा? आपका या मेरा दीवान जी? अरे सर, आपकी नैया डूबेगी तो ये दीवान जी भी तो डूब जाएगा ना सर। आप है तो दीवान है, वरना चलता फिरता खाली मकान है। कुछ सोचिए सर,
मेरा मतलब है सोचिए मत, आप कुछ करिए सर, करिए। सोच लिया दीवान जी। हाँ क्या सोचा सर? यही कि अब टूटेगा हसीना मलिक का रिश्ता और मैं बनूंगा सतरंगी लव स्टोरी का सूत्रधार। वाह सर वाह, क्या सोचा है आपने सर। एक तो मुश्किल से हसीना मैडम की शादी होने जा रही है, अब आप वो भी तोड़ देना चाहते, क्यों? अरे दीवान जी यही तो बात है, अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाती ना तो आप थोड़ी ना होते, हम होते। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत अफगानी एक्सेंट में बात कर सकते हैं आप? हम बोलेंगे ना। हमें बताइए क्या करना है, कौन सी भाषा में बोलना है। 14 बोल लेते हैं। अच्छा बोल के दिखाइए। 14 मैडम ये मैसेज मैंने डीकोड कर लिया है, इसके हिसाब से आज एक बहुत मेजर डील होने जा रही है। ये बिग बी और ये चाइनीज एक्सेंट में बात करने वाला आदमी नहीं है वो, टाइम और जगह भी पता चल गया है, बागपुर रोड बल्ली ब्रिज ठीक 11 बजे। बहुत बढ़िया सिद्धू, चलो। कैसा है मेरा बिरादर, तुमको मिलने के लिए हम कितना तड़पती। क्या हुआ, तुम खांसती क्यों, सब ठीक है? सब ठीक है, क्या है कि हमको ये भूकंप टाइप भाईचारे की आदत नहीं है ना, अभी हमें वो सैंपल दिखाओ। अब भी दिखा दी सैंपल, सैंपल लाओ। ये लो बिरादर, सबसे टॉप माल, चेक करो। नॉट बैड, तो चेक करो, थोड़ी गड़बड़ तो नहीं है कोई? गड़बड़ यहां पर है। कहां पर? नो 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 चोंग, अब रेट पे कोई बात नहीं होगी, हमारी बात हो चुकी है ना, और बिग बी ने जो रेट तय किया है वही मिलेगा। पर डिलीवरी पे बहुत खतरा, बेकरेस कमीशन पे ज्यादा आदमी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए रेंट भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, मैं बिग बी से बात करूंगा, इंक्रीमेंट की बात अगली डील में। बात तो करके देखो बिग बी से, ये उसका डिसीजन बदल जाए। चोंग वो बिग बी है, उनका हर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, अंडरस्टूड? हाँ। हाथ ऊपर, इधर आओ, हाथ ऊपर सबके, गन रखो, नीचे रखो, और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने का कोशिश किया ना तो बाहर पुलिस का बारात है आप सबकी स्वागत के लिए, समझे? हसीना मलिक आप? जी हसीना मलिक, आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर। नहीं नहीं बोलिए, कोई गंदी सी शायरी बोलिए, कोई पुराना सा घटिया सा डायलॉग बोलिए, हम इस घटिया मेंटालिटी से परेशान हो चुके हैं कि औरतों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्या लगा कि आप मीठी मीठी बातें करेंगे, जज्बातों के ख्याली पुलाव पकाएंगे और हम फंस जाएंगे? हम पहले से ही जानते थे कि आपका मकसद कुछ और है, और वो क्या यही जानने के लिए हम आपको झांसा देते रहे, और वो था ये हथियारों की तस्करी, आर्म्स डीलिंग। मैंने बोला था ना बाहर बहुत खतरा है। चुप रहो। क्या लगा तुम्हें कि तुम हमसे शादी कर लोगे और हमारा ध्यान तुम्हारे इस काले धंधे पर कभी नहीं जाएगा? बड़ी बेमुरवत निकली मोहब्बत हमारी कि तुझ तक पहुंची भी तो हमारे फना हो जाने के बाद। चलें। कौन हो तुम? गन्स नीचे करो नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। नीचे कर भाई। जल्दी। बस बस बस। टेंडेंट आ चुका है। रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी।
लेट समझ आया पर आ गया। हेलो। अरे चलो खातून, मतलब पुष्पा जी, चलिए। ये आइडिया हमारा ही था। हमने अपने बेटे आदिल से कहा था कि अगर उनकी शादी S.H.O हसीना मल्लिक से हो जाती है तो हमारी पांचों उंगलियां घी में होंगी। तभी सोने पे सुहागा वाली एक बात हो गई। हमें पता चला कि इनकी माँ खुद इनके लिए एक लड़का ढूंढ रही है। फिर क्या था, आदिल पहुंच गया शादी की ऑफर लेकर इनके पास और इन्होंने हाँ भी कर दी, तो हमें लगा कि हमारा काम हो गया। हम समझ रहे थे कि हम इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ बन गया। क्या लगा आपको कि पुलिस अगर महिला है तो उसे बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा? आप भूल रहे हैं कि वर्दी पहनने के बाद हम सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, औरत या मर्द नहीं। कुछ गड़बड़ है, ये तो हम तभी समझ गए थे जब अचानक हमारे सामने एक केले का छिलका आता है और फिर कोई हीरो की तरह एंट्री लेता है हमें संभालने के लिए। कोई बात नहीं, हमने इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर हमें शक हुआ भाई साहब की स्पीड से। कुछ ज्यादा ही तेज थे ये, इम्प्रेस करने में जल्दबाजी, फिर प्रपोज करने की जल्दी, शादी के लिए हाँ करवाने की जल्दी, और कॉफी हाउस में तो इन्होंने हद ही कर दी। जान ना पहचान और लेने लगे हमारी फोटो। जब हम इनके फोन में अपने फोटोज चेक कर रहे थे तब इन्हें एक आर्म्स डीलिंग से रिलेटेड मैसेज आया जो हमने देख लिया। एनीवेज इसके बाद फिर हमने इनके फोन में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया ताकि इनके फोन के मैसेजेस हमारे फोन में भी आने लगे। तुम्हारे फोन में जो हमने ट्रैकर इंस्टॉल किया था उसी से हमें तुम्हारी आर्म्स डील के बारे में पता चला। हम तो तुम्हें उसी डील में पकड़ने वाले थे, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर अमर विद्रोही और उनकी दखल अंदाजी आपने एन मोमेंट पर शेड्यूल चेंज कर दिया और एड्रेस भी। वन सेकंड मिस मलिक, आप शायद भूल रही हैं, इन्हें यहां पकड़कर लाने वाले हम ही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो पूरा रैकेट पकड़ा है वो हमने पकड़ा है और हमारी टीम ने। सो मिस्टर अमर विद्रोही, ये केस भी हम ही ने सॉल्व किया है। छोड़िए मेरा प्लीज, देखिए मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, समझिए तो सही, ऐसा भी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे? क्या मांग लिया पहली डेट में? ये कौन मांगता है, एक बार सोच तो लेती, बोल क्या रही हैं आप? मुझसे मांग लेती? देखिए मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचाऊंगा, आप ही की बेइज्जती होगी, सोच लीजिए। प्लीज प्लीज है। ऐसा क्या मांग लिया लड़की ने जो अमर सर इतना भड़क रहे उसपे? अरे जो भी है पुष्पा जी, हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना, पासा एकदम पलट गया है। पहले नाव पानी में था, अब पानी नाव में है। हे मतलब? मतलब ये कि अमर सर प्लान बना रहे थे ना हसीना मैडम की शादी कराने का, फिर वो दोनों जो है गुरु चेले वो मिलके यहाँ पे राज करते, अब हम शादी कराएंगे इनकी और इनको फंसाएंगे शादी के चक्कर व्यू में और राज करेंगे हम सब यहाँ पे हमारे थाना में। क्या बोलती पब्लिक? अभी जो थाने में हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया। आप अमर सर के साथ डेट पर गई थी? हाँ हाँ गई थी मैं अमर सर के साथ। हाँ तो अगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें मंजूर नहीं है रिश्ता, और वो आप में अपनी लाइफ पार्टनर नहीं देख रहे, तो फिर भी आप उन्हें बार बार फोर्स क्यों कर रही थी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उन्हें बहुत पसंद हूँ। उन्होंने खुद से मुझे कहा कि उनके पसंद की सारी बात है मुझ में, पर जैसे ही मैं उनसे वो बात कहने गई जो मुझे उनसे कहनी थी, वो गुस्सा हो गए मुझसे, वो नाराज हो गए, भाग खड़े हुए। देखो ऐसा बात है ना कि जो भी बात है ना तुम हमको बता सकती हो, तुम जो भी चाहिए तुम्हें तुम्हारी लाइफ में वो हम तुमको दे सकते हैं, अगर तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और वो क्या बात है। सच में? सच में ऐसा भी हो सकता है? करिश्मा सिंह कह रही है आपको, और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। इन्होंने कहा है ना तो आपकी शादी अमर सर से ही होगी। क्या शादी आपसे? ये सब किसने कहा? मुझे मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। एक मिनट, शादी नहीं करना है मतलब? तो फिर क्या हो रहा था थाने में? हमने देखा था तुम वो उनसे बात कर रही थी, शोर शराबा हो रहा था बहुत, तो वो सब क्या चल रहा था?
अरे पैसे मांगे थे मैंने उनसे, 5,43,210 रुपए। यही सुनकर तो गुस्सा हो गए अमर विद्रोही सर। एक मिनट हाँ मैडम, यहाँ तो खाने में ट्विस्ट है। चलते मेरा मतलब है कि हमें तो कुछ और लग रहा था, मामला कुछ और ही है कि अमर सर के साथ उनके पैसों के चक्कर में ये हानि का नहीं मनी का मामला है। कितनी लालची है, एक ही मीट पे फर्स्ट डेट पे 5 लाख मांग ली। सुनिए मैं जाऊँ क्या? नहीं नहीं एक मिनट, हम ना समझ नहीं पा रहे हैं, तुमको तुम्हारे पैसे वापस चाहिए ना, वो हम दिलवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमें मामला समझाना होगा कि डेट पे जाने के कोई पैसे कैसे मांग सकता है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल। क्या है? इसी के बारे में तो बात कर रही थी मैं, यही वो बिल है जिसका टोटल अमाउंट 5,43,210 रुपए। यही तो मांगे थे अमर सर से। एक सेकंड, मतलब इतना आप लोगों ने क्या खाया कि 5 लाख का बिल बना है? नहीं मैडम, ये रेस्टोरेंट का बिल नहीं, ब्रेकअप का बिल है जो मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी हाल ही में मुझसे किया और मुझसे कहा कि इस रिलेशनशिप में एक एक पैसा जो खर्च हुआ है उसे वापस चाहिए। ब्रेकअप बिल? ये क्या बवाल है? ब्रेकअप बिल ये क्या है? मैं और सूरज, सूरज मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे पर अब हम अलग हो रहे हैं और ये लिस्ट उसी खर्चे की है जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पे की थी। अभी उसे अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। उसका कहना है कि कोई उसको बेवकूफ बनाए और उसकी कीमत भी अदा ना करे, वो उसको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड की ऐसी बेतुकी मांगे पूरी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। जरूरत है मैडम, सूरज को ये पैसे देने ही हैं। उसने मुझे 1 वीक का टाइम दिया है, अगर 1 वीक में मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। कैसे प्रॉब्लम्स? वो तो नहीं पता पर मैं उसे जानती हूँ, वो ना बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए बहुत डेंजरस भी है। अच्छा ठीक है, देखते हैं ये क्या है शार्प माइंडेड डेंजरस तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कोशिश करेंगे कि बातों से ही मामला सुलझ जाए और पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। ओके? वो नहीं मानेगा मैडम। हम उससे बात तो करके देखिए, आप घर जाइए, इत्मीनान रखिए, हम आपको अपडेट करेंगे। ओके ठीक है। मैडम सर हमें क्या लग रहा है कि सूरज को पकड़ के लाते हैं, उसको डंडे का ताप दिखाएंगे ना, सब कैलकुलेशन उगल देगा वो। नहीं करिश्मा सिंह, ये जल्दबाजी होगी, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम दोनों पक्षों की कहानी सुन ले। चीता चतुर्वेदी, बहुत छुट्टी मना ली तुमने, अब इस केस के तालाब से सच का मोती निकालने के लिए पहली छलांग तुम्हें मारनी होगी। तैयार है मैडम सर। गुड लक। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। मैं जानता हूँ आप क्या कर रही हैं। एक्सक्यूज मी? जी मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे इस थाने से आउट करने की क्या प्लानिंग कर रही हैं आप। अच्छा अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्या प्लान बनाया है हमने। वही सेम प्लानिंग जो मैंने की थी आपको इस थाने से आउट करने के लिए, आपको शादी के भंवर में फंसा कर आपको इतना बिजी कर देना कि आपका ध्यान ही चला जाए कॉम्पिटिशन से और ये थाना जीतना मेरे लिए ईजी हो जाए। उस प्राची से मेरी शादी करवा के मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट करना चाहती हैं, यही कोशिश कर रही हैं ना आप। Let me tell you one thing, Miss Malik. मैंने ऐसा कुछ भी सोचा जरूर था लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से एक बात थी कि आप लड़की हैं और मेरी किसी भी प्लानिंग की वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा लड़का जो आपको डिजर्व ही नहीं करता वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए और मैंने वैसा ही किया। और आप क्या कर रही हैं? उस लालची सेल्फिश लड़की प्राची के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर आप अपने मिशन को जीतने की प्लानिंग कर रही हैं, ये गलत है मिस मलिक। क्या है ना मिस्टर अमर विद्रोही, वैसे तो हम इस तरह की सियासी दांव पेचों में उलझना पसंद नहीं करते लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना जिस जबान में सवाल पूछा गया है उसी जबान में जवाब भी दिया जाए। Everything is fair in love and war, and this is war. Personally मत लीजिए। Fine, Miss Malik. मैडम सर, हमारे पास सूरज के खिलाफ एक प्रमाण है। What? मतलब सूरज इस ब्रेकअप बिल के पैसे मांग रहा है? जी। और उसने इनके साथ रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज में जहां सब लोग अपने इमोशंस की एक्सट्रीम सुनामी में बह रहे होते इनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए?
और मैंने कुछ सच्चाई जाने बिना इतने बड़े कंक्लूजन पे आ गया मैं कि उसके एक थर्ड क्लास लड़के का साथ दिया मैंने। यस, थर्ड क्लास लड़का ही है वो। कैसे, मतलब कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ मैं? इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती किसी को पहचानने में मुझसे? और इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दिया मैंने ये सब? प्राची, I'm really sorry. जो भी हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है। I'm extremely sorry. क्या करूं मैं आपके शौर्य का, क्या करूं अफसोस का? वो सूरज पैसे के बजाय आपका अफसोस लेगा क्या? मुझे अफसोस नहीं, मुझे उसको पैसे देने हैं। कहां से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे, कहां से अरेंज करूंगी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसा आप लोग चाहते हैं यहाँ वैसा ही होगा। प्राची ब्रेकअप बिल में लिखे हुए जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे सूरज को लौटाएगी आज यहाँ सबके सामने। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, छोड़ो मुझे। एनेस्थेसिया प्लीज, आवर वेयर इज आवर इक्विपमेंट्स? मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, छोड़ो मुझे। शांत 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 हो जाइए। देखिए यहाँ पर बस तुम्हारा ये दिल निकालने वाले हैं, तुम्हारा हार्ट। 5 मिनट का काम है, दिल निकालेंगे फिर अप्रिय हो जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट। डॉक्टर, दिस इज आवर इक्विपमेंट फॉर हार्ट ऑपरेट। पुलिस, पुलिस। हाँ हाँ, पुलिस की मौजूदगी में ही हो रहा है, सब देख रहे हैं आपको। बस आपका दिल निकालेंगे और कुछ नहीं, सब कानूनन है। चलिए चलिए डॉक्टर, शुरू करो। ओके, ओह माय गॉड, ये छोटा ड्रिल है, बड़ा ड्रिल चाहिए, एनेस्थेसिया, बड़ा ड्रिल चाहिए प्लीज। गलत है, ये गलत है। या मैंने उसको यही बताया, गलत ड्रिल है, बड़ा ड्रिल लाओ। एक मिनट, ऐसे कैसे गलत है? अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, दिखाओ जल्दी। साफ साफ लिखा है कि मैं आज से अपना दिल प्राची को देता हूँ, मेरा दिल प्राची की अमानत है और आज से जिंदगी भर मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ प्राची का अधिकार है। तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप ये दिल जो कि प्राची की अमानत है उसे लौटाएंगे, तब तो वो बिल के पैसे आपको देगी ना, तो गलत क्या हुआ इसमें? अग्रीमेंट में लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, 100% जस्टिस, एक हाथ दे एक हाथ ले। टुकर टुकर क्या देख रहे हैं डॉक्टर, सब चालू कीजिए, दिल निकालिए। नहीं नहीं छोड़ो, मुझे नहीं देना दिल। अरे मना क्यों कर रहे हैं आप? मना नहीं कर रहे, मतलब साइन किया है तो दिल तो निकलवाना पड़ेगा ना उनको। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अगर बिल चाहिए तो पहले दिल दो। हाँ, बिल से पहले दिल दो। हाँ, बिल के पहले दिल दो, 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 बिल के पहले दिल दो। रुको रुको रुको, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। बैठ के कबूल कीजिए। मैं सबके सामने कबूल करता हूँ कि वो जो है, तो मैंने ऐसे ही प्यार में इमोशनल होके भावनाओं में बह के ऐसे फ्लो फ्लो में कह दिया था, लेकिन ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। अच्छा तो ठीक, उसी तरीके से इमोशनल होकर फ्लो फ्लो में प्राची ने भी ये अग्रीमेंट साइन कर दिया था, ऐसा सच में नहीं होता है। तुम्हें शर्म नहीं आई उसे ये ब्रेकअप बिल थमाते हुए? क्या गलती थी उस बेचारे की? वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, अंदर ही अंदर तड़प रही थी, घुट रही थी। तुमने सोचा है कभी कि जिस दिन उसके घुटन का बांध टूट जाता, कितना जलील तरीके से तुम्हारा यह रिश्ता खत्म होता? तुम्हारे इस रिश्ते को जलील होने से, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने तुमसे ब्रेकअप किया, तो तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया। तुमने उसे ये अग्रीमेंट दिखा दिया, ब्रेकअप का बिल दे दिया, और आप सब आ गए इस तमाशे में बिना सच्चाई जाने इसका साथ देने के लिए। क्या किया उसने, क्या गलती थी उसकी? सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा पैसा, उसका कुछ भी नहीं। प्राची ने जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया, तुम्हारे प्यार में इतने आंसू बहाए, रात की नींदें खोई, उस सब का कोई हिसाब नहीं है? प्राची ने तुमसे प्यार किया, लेकिन इस प्यार में कैलकुलेशन लेकर आए तुम।
प्यार सिर्फ देने की चीज होती है सूरज, वसूलने की नहीं। क्या हुआ? पैर पैर डॉक्टर साहब का। आपने सच कहा, मैं शायद प्राची को यूं मेरी लाइफ से जाते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उसे इस तरह हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। प्राची, मुझे माफ कर दो। प्राची, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हमारे रिश्ते को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन आज जब हमारे रिश्ते को जाते हुए देख रहा हूं तो मुझे इसकी वैल्यू समझ में आ रही। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में सूरज? सच्ची। एक मिनट सर, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? क्या हुआ, सब ठीक है? जी कहिए, क्या काम है? सीबीआई, आपके एसएचओ मिस हसीना मलिक कहाँ हैं? जी वो शायद किसी काम से बाहर गई हैं, बताइए क्या काम है? तलाशी लेनी है उनकी भी और इस थाने की भी। क्या? सर्च वारंट। सर लेकिन भास्कर, तुम अपनी टीम को लेकर हसीना मलिक के घर जाओ, वहाँ की तलाशी लो अच्छे से। अरे सर, सर हमारी बात तो सुनिए आप। ये सर, 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 ये हसीना मलिक का केबिन है ना? जी सर। ललित, तलाशी लो। लेकिन सर, सर, बताइए तो सही, हुआ क्या है? भोलेनाथ, ये एक ही रास्ता है जिसे मैडम सर अपने घर की तरफ जा सकती है। प्लीज मैडम सर को यहाँ पे जल्दी से भेज दीजिए, किसी और के आने से पहले। प्लीज भोलेनाथ। करिश्मा सिंह, मैडम सर, करिश्मा सिंह, शुक्र है भोलेनाथ का कि आप हमें मिल गई है। अब कहाँ थी? अरे हम तो कुछ काम से बाहर गए थे, लेकिन आप हमें फोन कर लेती ना, क्या हो गया ऐसा? कैसे फोन करते मैडम सर, हमारा फोन जब्त हो गया है। क्या? हमारा ही नहीं, पूरे थाने का सबका, संतू, पुष्पा जी, जीते सबका फोन जब्त हो गया है। क्यों, किसने किया? सीबीआई। सीबीआई आई थी, सबके फोन जब्त कर लिए, पूरे थाने का तलाशी लिए, यहाँ तक कि आपके घर को भी खंगाला। क्या? मैडम सर, हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्या, हमने क्या किया है? मैडम सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी तक अरेस्ट वारंट निकल भी गया होगा, किसी ने बहुत चलाकी से ये गेम खेला, आपको फंसाने का कोशिश किया मैडम सर। हाँ लेकिन हमने किया क्या, क्या हुआ? सीबीआई आपके घर पे गई थी, तलाशी की तो अवैध हथियार मिले हैं। करिश्मा सिंह जी, ये घाव तो भर जाएगा मैडम सर, पर उस घाव का क्या करें जो आपने हमारी दोस्ती को, हमारे भरोसे को दिया है। क्यों किया ये आपने मैडम सर? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।